हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नया। आप अपने मोबाइल से कोई भी काम कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आपके घर में बिजली का उपयोग ज़रूर होता होगा। लाइट, टीवी, पंखा, एसी, फ्रिज, ये सब तो यूज़ करती होंगे। तो क्या आपको पता है कि आपको लाइट बिल भरने के लिए जाना पड़ता है ऑफिस पे, यानी कि जहाँ पर लाइट भरा जाता है उस सेंटर पर आपको जाना पड़ता है। वहाँ पर लंबी कतार के अंदर आपको खड़े रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको इन लंबी कतार से छुटकारा पाने के लिए आप चाहो तो आपके घर पर अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से तो भर ही सकते हो, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप मोबाइल से लाइट बिल कैसे भर सकते हो आराम से, ताकि आपके घर का मेम्बर जो मम्मी जाती हो या ही पापा जाते हो लाइट बिल भरने के लिए, तो उनको लाइन की कतार से मुक्ति दिलाने के लिए अपने मोबाइल से आप लाइट बिल आराम से भर सकते हो। और ये ट्रांजेक्शन डायरेक्टली उसी की वेबसाइट पे होगा और ऑन द स्पॉट 5 सेकंड के अंदर आपका जो लाइट बिल है वो पेमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने कौन सा स्टेप कहाँ से, कौन सी डिटेल कहाँ भरी है। अब बहुत ही ईजी स्टेप है। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात से, अहमदाबाद से, तो मेरा UGVCL का बिल है। आपके वहाँ पे आता होगा, टोरेंट का भी आता है किसी के वहाँ पे, या तो फिर UGVCL आता है या फिर कोई भी MGVCL आता है। तो जो भी हो, मैं गुजरात का भर के बताता हूँ। ऐसे ही हर एक स्टेट में हर एक बिजली के लिए, यानी कि हर एक बिजली पावर के लिए जो बिल पेमेंट होता है उसके लिए ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको UGVCL उत्तर गुजरात का जो वीज कंपनी लिमिटेड है उसका मैं आपको बिल पेमेंट करके बताऊंगा। इसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस होता है सभी कंपनियों के वेबसाइट पे जो हमें लाइट देती है, उन सब के कहीं भी आप भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन में, जैसे कि आपको बगल में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से लाइट बिल आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर जाने के बाद मैं खोलता हूँ इसके अंदर क्रोम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको UGVCL का बिल पेमेंट कर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपनी UGVCL की वेबसाइट खोल लेता हूँ जिस पर मुझे पेमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं टिक कर देता हूँ ओके। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, क्विक ऑनलाइन पेमेंट। और ये UGVCL.in की वेबसाइट आपको ग्रीन कलर में नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर मैं चलता हूँ क्विक ऑनलाइन पेमेंट पे। तो यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको ओपन होगी ओके दोस्तों, जैसे कि उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड ओके। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली भरना है कंज्यूमर नंबर अपना। कंज्यूमर नंबर मेरा क्या है, मैं यहाँ पे भर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कंज्यूमर में भर दिया, वैसे ही यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपका जितना बिल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए, जैसा कि मेरा क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 264 रुपये 264 रुपीज़ 08 पैसा ओके। अब मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा तो मुझे कितना पेमेंट करना है। आप चाहे तो ज़्यादा ही कर सकते हो, लेकिन कम मत कीजिएगा कभी भी। आप चाहे तो ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो ओके दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ, एक राउंड फिगर में ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे 265 रुपीज़ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखने का है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी भर देता हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है बगल में। ओके, मैंने अपने ईमेल आईडी भर देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट का ऑप्शन आपको दबाना है, सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद ये कुछ प्रोसेस होगा। कुछ प्रोसेस होने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा, उसके अंदर आपको डिटेल्स मांगे जाएगा। देखिए, आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि ये किसके नाम से है लाइट बिल भरना है आपको। तो यहाँ पे शो हो रहा है, ये मेरी मम्मी के नाम का लाइट बिल है, तो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पे नाउ का। पे नाउ का ऑप्शन ऑप्शन पे ओके करना है, ठीक है। फिर इस प्रकार कुछ डायरेक्टली आपको क्विक पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो आप किस तरह पेमेंट करना चाहते हो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से भी आराम से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो आप आराम से। तो इसके अंदर कोई भी आप, अगर आपके पास वॉलेट है जैसे पेटीएम हुआ, क्या फ़ोनपे हुआ, इस तरह के वॉलेट से भी आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ ओके दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एटीएम कार्ड नंबर डालता हूँ जो 16 आंकड़ों का होता है वो। सॉरी, आपको ये आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैंने इसको हाइड कर रखा है, क्योंकि आजकल
आप समझ सकते हो। तो चलिए मैं भर दिया, मैंने ये डिटेल भर दिया है। और यहाँ पे CVV नंबर जो आप मांग रहे हैं, यहाँ पे आपको CVV नंबर यानी कि जो आपके कार्ड के पीछे 3 आंकड़ों का नंबर होता है उसे CVV नंबर कहा जाता है। और यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नाम भरना है। कार्ड होल्डर का नाम मैं अपना नाम बताता हूँ क्योंकि मेरा ही कार्ड है। ओके, अब यहाँ पे आपको मेन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेन पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपका जो भी है मोबाइल उसके ऊपर आपका OTP आएगा। ये इस वजह से सिक्योर है क्योंकि आपका मोबाइल जो भी बैंक के साथ रजिस्टर है उसके ऊपर OTP आएगा। OTP आप नंबर डालोगे तभी यहाँ से आप पेमेंट कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो मुझे OTP रिसीव हो चुका है, तो मैं ये OTP डाल रहा हूँ। ये मैंने OTP डाल दिया। अब मैं यहाँ से आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है। वो टैप करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, मोस्ट ऑफ पूरा हो चुका है। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पर रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है रिसिप्ट। मैं आपको पूरे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुली देखिए बता रहा है ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुली, एंड जो भी आपका जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब चाहो तो आप इस रिसिप्ट को प्रिंट करके भी रख सकते हो, या तो फिर आप अपने सेव कर दीजिए, सेव एंड प्रिंट में ऑप्शन दीजिए, ताकि ये आपका जो है वो आपके मोबाइल के अंदर आपके फोल्डर में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपके एक लाइक से मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। मैं इस तरह के वीडियो नए नए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।